चलते हैं। ये वाओ कितना कोक है। चीयर्स बहन। शर्ट लगा लो, मैं एक घूंट में पूरी बोतल पी सकता हूँ। हाँ मैं भी वो कर सकती हूँ। और अब हम कैंडी भर सकते हैं। बस ये गिरे ना। हाँ वाह, हमें इसे दूसरी बोतल में भी डालने के लिए पानी की जरूरत होगी। इसे मैंने अच्छी तरह से धोया है और मैंने ऊनो काट लिया है ताकि पानी ना गिरे। क्या तुम तैयार हो? फिर मैं इसे पलट देती हूँ। हुर्रे, चलो खींचते हैं। वाह, ये काम कर गया। देखो ये कितना सुंदर है। वाह, सही कह रहे हो, ये मस्त है। हमने अच्छा किया। वाओ, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ। यह भी। वाओ वाओ, यह लाइफ हैक जांच के लायक है। वाओ, मैं यहाँ हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा। वाओ, तुम मास्टर हो। धन्यवाद। देखो मुझे क्या मिला है, तुम क्या सोचती हो? हाँ यह अच्छा है। एक सेकेंड, सभी रंग इकट्ठा कर लिया। चलो चलते हैं। अरे मेरे लिए रुको। ओह, मुझे दूध पिए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी मूछें बन गई है। चलो दूध डालने का समय है। बस एक सेकेंड, अब क्या होगा? मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए? चलो बैंगनी लेती हूँ। ओह यह खुल क्यों नहीं रहा है? पेंट सूख गया है क्या? लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो देखते हैं। मैंने आज पुशअप्स करके अपने हाथों को मजबूत बनाया है। और इसे कैसा रहेगा? उफ, चलो खुलो। ये काम किया। ये लो। हुर्रे, सभी रंग प्लेट पर है। अब केवल इसमें डालना है डिटर्जेंट। हाँ, इसे एक कॉटन स्वैप पर गिराकर दूध में डालना होगा। कूल। वाओ, देखो सुपर, हमने कर लिया। हाँ, हाई फाइव। मेरे बॉयफ्रेंड ने फूल भेजा है, कितना प्यारा। हेलो, क्या तुमने वह देखा? कहा? ओ, फूलों के साथ एक लाइफ है। आइडिया अच्छा है। वाओ, वाओ क्या खुशबू है। अरे भाई खाना बंद करो, चलो जूस बनाते हैं। ठीक है, मैं गाजर से शुरू करूंगा। एक सेकेंड, और यह हो गया। फिर मैं सैलरी डालूंगा। बहुत हरा। क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गए? लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा। और मैं पीला केला लूंगी। हाँ ये कितना अच्छा है। ओके। अगर सब तैयार है तो आगे बढ़े, इस बीच हम खेल सकते हैं। मैं जीत गई। आर्म रेसलिंग कैसा रहेगा? हाँ, मैं फिर से जीती। ओह भाई जागो, देखो हमारा लाइफ हैक काम कर रहा है। वाओ, ओ वाओ, फूल कितने रंगीन हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये ब्लॉगर्स भी ना, ये फनी होता है जब वो खुद को एक स्टार समझती है। क्या तुम एक नया लाइफ हैक देखना चाहती हो? हम एक बोतल में जेली बनाएंगे। कूल है ना? मुझे ये पसंद है। चलो करते हैं। मेरे गले में खराश है, मुझे इसे कोक के साथ ठीक करना होगा। वाओ कितना स्वादिष्ट है। और मुझे कुछ कैंडी मिली। एक पैक काफी नहीं होगा, मैं एक ही बार में सब खोल देता हूँ। जितना ज्यादा उतना अच्छा। वाओ, चलो उन्हें रंगों से छाटे। और वाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं रेनबो के सभी रंगों को शामिल करूंगा ताकि वे खूबसूरती से झिलमिलाए। वाह, अब इसमें कॉर्न सिरप डालेंगे। चलो भाई, वाह बढ़िया। अब बोतल को फ्रिज में रखना होगा और इसके जमने तक इंतजार करना होगा। ओह, मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है? वाह कूल, हमने किया, ये कमाल का है। मुझे भी चाहिए क्या? मैं? हाँ बेशक। सुपर, कितने सुंदर कैंडी है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह कूल लाइफ है। धन्यवाद भाई। ओह, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, ये भयानक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे यकीन है ये तुम्हें खुश करेगा।
ये एक लाइफ हैक है, कैसे एक लावा लैंप बना सकते हैं। तुम इसे बनाना भी चाहती थी? एक सेकेंड, रुको, यहाँ यह एस्पिरिन ले लो। धन्यवाद, अब मैं इसे जल्दी से बनाऊंगा और अपनी बहन को सरप्राइज करूंगा। सबसे पहले क्या करना है? हाँ, पानी डालना है, फिर पेंट। ओह, लाल उसका फेवरेट रंग है। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है। हाँ, ऐसे तैयार। लगता है यहाँ तेल की जरूरत है। क्या ये नारियल तेल है? चलेगा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और एस्प्रीन, ये मेगा सुंदर है। मेरी बहन जरूर बहुत खुश हो जाएगी। जागो सिस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कहाँ? वाह, लावा लैंप बन गया, ये मस्त है। धन्यवाद, तुम जीनियस हो। मैं इसे अपनी जगह पर रखूंगी। मैं थक गया हूँ। या क्या? कितनी जोर से चोट लगी। ये लो। मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले मुझे बहन को खोजना है। ओ माँ! मैं मुश्किल से बच पाया। माफ करना, मैं गलती से। इसे भूल जाओ, बेहतर होगा तुम इसे देखो। यह जांच करने लायक है। मेरे पास कुछ बैलून्स बचे हैं। चलो किचन में चलते हैं। वाओ, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिरका की जरूरत होगी, और एक फनल भी। अब मुझे एक बैलून दो। अच्छा ठीक है, लो। अब हम इसे फनल पर कसकर लगाते हैं और इसे सोडा से भरते हैं। सुपर, अब हम सिरका पर ये गुब्बारा डालेंगे। और तुम तैयार हो? पहले से कहीं ज्यादा। तो फिर शुरू करते हैं। वाओ, देखो ये फूल रहा है। वाओ, ये अद्भुत है। हॉगवर्ट्स के जादू की तरह। ये फटेगा तो नहीं? ओह, कुछ दिलचस्प। मुझे एक नया रेनबो लाइफ हैक मिला है, इसे तुरंत बेटी को दिखाना होगा। नहीं, देखो मैं शेफ हूँ। वह क्या था? क्या तुम गिरने वाले थे? चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, देखो मुझे क्या मिला है। क्या कहती हो? ठीक है, चलो इसे देखें। मुझे स्केट दो। क्या? नहीं, ये मेरा फेवरेट स्केट है। इसे अच्छे तरीके से दे दो, किसी हाल में नहीं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पापा का लैपटॉप कैसा रहेगा? मुझे उसके लिए खेद नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं पेंट स्प्रे करने जा रही हूँ। कितना सुंदर, तुम्हें पसंद आया? वाओ। और आप क्रीम, मैं सूरज बनाऊंगी। अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है। वाओ, बहुत सुंदर। कूल, तुमने लैपटॉप को कितनी खूबसूरती से सजाया है, पापा खुश हो जाएंगे। शाबाश बहन। क्या यह कैट फूड है? यह लो दोस्त, खाओ। वाओ, बहुत बढ़िया। ब्रिटनी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मुझे क्या मिला है। वहाँ क्या है? वाओ, मुझे भी ये चाहिए। चलो इसे करें। मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ। वे प्लेट पर कितने अच्छे से कूद रहे हैं। ओहो, तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ। अरे, इसे लाइफ हैक के लिए बचाओ। खैर ठीक है। वाह, ये नहीं हो सकता। वाह, तुम अद्भुत हो। तुम्हें स्ट्रॉ चाहिए? बढ़िया आइडिया, ये मस्त है। देखो ये मजेदार है, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। ओ, बिल्ली की आंखों को देखो। उसने भी स्किटल्स पी लिया। ओह, कितना डरावना। अरे, पॉपकॉर्न कहाँ है? क्या ये खत्म हो गया है? ओ नहीं, केवल दाने बचे हैं। ये अच्छा नहीं है। एक मिनट रुको। मुझे याद आया, कल मैंने एक कूल लाइफ हैक देखा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसे देखने दो। वाओ, ये अच्छे समय पर याद आ गया। चलो कुछ और पॉपकॉर्न बनाते हैं। हमारे पास एक फ्राइंग पैन है, दाने भरे।
बस कुछ देर और तैयार। क्या हम स्टिकर्स भी मिलाएंगे? शायद यह सच हो कि कैंडी पॉपकॉर्न को रंग सकती है। काश ये काम कर जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने देखा? हाँ, ये काम कर रहा है। वो पॉपकॉर्न उड़ रहा है। हाँ, बस अरे एक कुछ करो। ढक्कन कहाँ है? लगता है अब सब ठीक है। देखो ये मस्त है। ओह भूखर कहीं के तुम ही पेटू हो। ये अच्छा था, हमने अच्छा किया। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? और तुम चार्ली के साथ कैसे टहलने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं? और यह क्या है? वाह सेब का पेड़, कितना अच्छा, इस पर सेब है। मुझे कितनी भूख लगी है, मैं वास्तव में एक दो सेब खाना चाहती हूँ। वाह ये कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। मुझे इससे फ्रेंच फ्राइज बनाने की जरूरत है, लेकिन सही सेब तो बहुत ऊपर है, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मेरे पास एक आइडिया है, मैं पेड़ को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेब मेरी टेबल पर गिर जाएगा। इसके लिए मुझे बस हेलमेट पहनना है, क्योंकि ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। देखो मैंने तुमसे कहा था, यहाँ सेब है। वाह यह क्या है? वाह कूल, ये एक रसोई गैजेट है जो मुझे फ्रेंच फ्राइज के आकार में सेब का टुकड़ा काटने में मदद करेंगे। अब इसे शुरू करते हैं। वाह यह काम कर रहा है, कितना अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। और यह सब कुछ एक सेब के पैकेट में रखना बाकी है और इसे अपने भाई एलेक्स को परोस सकते हैं। चलो जल्दी से उसके पास चले। ओम मैं ध्यान कर रहा हूँ ब्रिटनी, ओम रास्ते में बताओ। ओ नहीं ब्रिटनी, तुमने मेरे ध्यान को क्यों डिस्टर्ब किया? मैंने लगभग जेन को पकड़ लिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब फ्राई लाई हूँ। यह सामान्य फ्रेंच फ्राइज की तरह ही है लेकिन सेब से बना हुआ। जल्दी से ट्राई करो, पसंद आया? मैंने बहुत कोशिश की। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? और वह कहाँ जा रहा है? वाह यहाँ एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है। ये सभी छोटे लोग अविश्वसनीय रूप से कुछ अच्छा बना रहे हैं। अरे तुम यहाँ क्रेन पर क्या उठा रहे हो? वाह ये खिलौना लॉग है। ये मुझे खाना बनाने में मदद कर सकता है। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है, ये लॉग मुझे फ्रेंच फ्राइज की याद दिलाते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं बल्कि चॉकलेट वाले। मैं खुद को छोटे लॉग के रूप में फॉइल मोल्ड बनाऊंगी, फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटेला अंदर डालूंगी। कमेंट्स में लिखिए क्या आपको न्यूटेला पसंद है। एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं। और अब इसे फ्रेम में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रिज में रखना होगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? No. ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ। तैयार। खैर काफी समय बीत चुका है, यह चॉकलेट फ्राइज को बाहर निकालने का समय है। वाह ये बहुत अच्छा निकला, हमें इसे तुरंत टेस्ट करना होगा। हाँ सब अच्छे से जम गया है, हम इसे निकालते हैं और इसे एलेक्स के पास ले जाते हैं। वाह एलेक्स मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट फ्राई लाई हूँ। एलेक्स कहाँ है? अजीब, मैं कमरे में उसका इंतजार करूंगी, वो कहाँ जा सकता है? ठीक है अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। वाह कितना स्वादिष्ट है, ब्रिटनी को थोड़ा डराने का सही समय है। बैड मॉन्स्टर, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मम्मी मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। ओह क्या ब्रिटनी से लाई थी? वाह चॉकलेट चिप्स कूल, हमें इसे जल्दी आजमाना चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है, 5 स्टार। अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा। मैं इस बॉल को फेंक रही हूँ, हुर्रे स्ट्राइक। वाह उनके अंदर कुछ और था, लेकिन अब ये एक चिप क्रम में बदल गया है। मुझे इसे आजमाना चाहिए। वाह ये स्वादिष्ट है, काश मैं चिप से फ्रेंच फ्राइज बना पाती। वाह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं चिप्स के टुकड़ों को असली फ्रेंच फ्राइज में बदल सकती हूँ। मुझे बस एक अंडे को जार में तोड़ने और अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेव में डाला, तैयार होने तक पकाते हैं। बिल्कुल सही। ओह यह कितना गर्म है, अब सब कुछ निश्चित रूप से तैयार है, इसे बाहर निकालना होगा। वाह यह कितना अच्छा बना, अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जरूरत है। मेरे पास इसके लिए एक अच्छा गैजेट है, बस इसे जोर से दबाना है और सब कुछ सही टुकड़ों में कट जाता है। शानदार, बस इसे पैकेट में डालते हैं और चखने के लिए एलेक्स को दिया जा सकता है। यहाँ सबसे मुख्य बात बैलेंस बनाकर रखना है, मैं जरूर सफल होऊंगा।
ओह, मैं लगभग गिर गया, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। मुझे सही बैलेंस मिला है। ओह हाय ब्रिटनी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है? बढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। फ्रेंच फ्राइज, लेकिन किससे बना हुआ? ठीक है, चलो ये ट्राई करता हूँ। वाओ, चिप्स से बने फ्रेंच फ्राइज, बहुत। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है, वोल्केनो। हमें ये जांचना होगा कि ये काम करता है या नहीं। वाओ, ये सच में काम करता है, कितना अच्छा। टीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी। मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा। क्या ज्वालामुखी केवल इस तरह फूटेगा? हालांकि अभी भी गर्म है, मैं इस पर अपने फेवरेट खट्टे कैंडी को पिघला सकती हूँ। एलेक्स ने निश्चित रूप से अभी तक खट्टा कैरामेल फ्राइज नहीं खाया होगा। वाह, वे कितनी जल्दी पिघल गए हैं। अब मोल्ड में सब कुछ डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं और देखो, बहुत बढ़िया, हमने अपने मजेदार कैरामेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से एलेक्स की ओर ले जाते हैं। मशीन को सावधानी पूर्वक स्टार्ट करना जरूरी है ताकि ये सभी लूप से क्रॉस कर सके। वाओ, कितना अच्छा। ओह, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है, इसे ट्राई करो। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसे चखता हूँ। ओह, बहुत हार्ड है, क्यों? तो इसे चाटना होगा। वाओ, मैंने निश्चित रूप से अभी तक कैरामेल फ्राइज नहीं खाया है। मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। कूल रेसिपी, मैं इसे 5 स्टार देता हूँ। तो इसे रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। और यह क्या है? ये बाइक की तरह दिखता है। और असल में एक चाकू है। वाह, ये अच्छा है। यह निश्चित रूप से डो को छोटे टुकड़े में काटने में मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा। सब कुछ कट गया है, मदद के लिए धन्यवाद भाई। और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते हैं और इसे ओवन में सेकने के लिए भेजते हैं। जल्दी मिलते हैं फ्राइज। काफी समय हो गया, अब यह निश्चित रूप से तैयार हो गया होगा। वाओ, सब कुछ तैयार है, कितना अच्छा। हमें जल्द से जल्द एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करेंगे। वाओ, यह असली फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है। वाओ, यह कूदने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एलेक्स, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है, यह तुम्हारी मदद करेगा। मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राई करो। बेशक, चलो। वाओ, यह नए तरह का लग रहा है, मैं कहता हूँ। वाओ, यह अच्छा है, मुझे और दो। मैं निश्चित रूप से इस फ्राइज को 5 में से 5 दूंगा। फ्रेंच फ्राइज की ढेर से मुझे क्या बनाना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, सबसे पहले मुझे एक बड़े कंटेनर की जरूरत होगी जहाँ मुझे केतली से पानी डालना होगा। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कर सकते हैं। अब हमें फ्राइज के लिए सभी पैकेजों को चमकीले रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा। यह बहुत खूबसूरत लगेगा। तैयार। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये गिरना नहीं चाहिए। हमने सभी पैकेट्स को डाल दिया, अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते हैं। इसे एलेक्स के पास ले जाने की जरूरत है क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है। ओ नहीं, ब्रिटनी, मैं पकड़ता हूँ। तुम इतने सारे खाली फ्रेंच फ्राइज पैकेट्स क्यों लाई हो? क्या तुम इसे मेरे बोर्ड पर सजाना चाहती हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो इस बोर्ड को साफ करें, ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब सब कुछ तैयार है और अब तुम्हारा टेबल हमेशा सिस्टमेटिक रहेगा। तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसिल, मार्कर और दूसरी चीजों को डालकर रखना होगा। कम जगह में अच्छी तरह से रखना, इतना आसान और सरल है। वाओ, धन्यवाद। मुझे अपने भाई के लिए अंडे से कुछ स्वादिष्ट बनाना होगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे एक कटोरे में कुछ अंडे तोड़ने की जरूरत है। वाह, ऐसे। और फिर थोड़ा दूध डालें। All right. दूध डल गया। अब इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे और इसे मिक्सर से फेटे। ये एक अद्भुत ऑमलेट मिक्सचर बन गया है। अब हमें इसे ओवन में डालना होगा। इसे बेक होने देते हैं। ओके। और अब हम इसे निकाल सकते हैं। वाओ, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। What? ओ नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि ऑमलेट ओवन में था। ओ, मेरे हाथ जल गए, बहुत जलन हो रही है। ओ, लगता है अब सब ठीक हो गया। अब हमें ऑमलेट को एक प्लेट पर रखना है और इसे एलेक्स को परोस सकते हैं। मैं एक अद्भुत कुक हूँ, चलो इसे जल्द से जल्द उसके पास ले जाएं। बेलिसिमो। ओह, नहीं, कितने जोर से चोट लगी, मेरा पैर।
मेरा बेचारा दर्द से तड़पता पैर, मुझे इसे जल्दी से फूंक मार कर ठीक करना होगा। ओ नैंसी, तुम यहाँ हो, कोई काम था क्या? तुमने क्या बनाया है? यह अजीब लग रहा है। मुझे वह दो और गंध से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे इसे चखकर देखना चाहिए? ओह, आशा करता हूँ कि तुम मुझे कोई जहर नहीं खिला रही हो। यह अच्छा है, यह जेली जैसा दिख रहा है। चलो इसे खाता हूँ, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद आया। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? हाँ, मुझे चाहिए इससे फेंक टुकड़ा। अरे एलेक्स, तुमने क्या किया है? तुम कितने गंदे हो। लेकिन यह फनी था। चलो आप खाना बनाते हैं और खेलते हैं। ये यहाँ अंडा है। क्या ये चिकन है? क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया? वाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे तुरंत एक ग्लव की जरूरत है। चलो अभी इसे फुलाएं। ओ माफ करना चिकन, हम इसे एक कप पर लगाएंगे और फिर एक अंडे को मग में तोड़ते हैं। बढ़िया, अब हम सब कुछ निचोड़ कर मिलाते हैं। मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए। वाओ, एक पैटर्न बनाते हुए पैन में सब कुछ डालेंगे। वाओ, मैंने इसे खूबसूरती से किया है। ये असली एग रोल है। इसे जल्दी एलेक्स को दिखाने की जरूरत है। मुझे कौन सा खींचना चाहिए? हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। टावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए। ओ नहीं, एलेक्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रीट लाई हूँ, तुम इसे चखोगे? जल्दी उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यहाँ, यह लो। क्या तुमने फिर से कुछ पकाया? चलो इसे खा कर देखें। अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, ये स्वादिष्ट है। लाजवाब। क्या तुम भी खाना चाहती हो? वाह, स्वादिष्ट। रेसिपी को 5 स्टार। वाह, क्या मैंने एक दुर्लभ शुतुरमुर्ग को खोज लिया है? वहाँ वह बैठी है, कितनी सुंदर। ओह, तुम बहुत प्यारी हो। ओह गॉड, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती हो? वाह, इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट बन सकता है। चलो इसे खोले। वाह, अंदर बड़ा अंडा है। कूल, मुझे तुरंत इसे पकाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह बॉयलर मेरी मदद करेगा। ओह, कितना गर्म है। मुझे इसी की जरूरत थी। अंडे को पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा और अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। वाह, क्या ये तैयार हो गया? तो चलो एलेक्स के पास चले। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था। मैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वे किस करने जा रहे हैं? अच्छा होगा मुझे किस कर ले। ये तुम्हारे लिए शर्मनाक है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं अपनी नई डिश लाई हूँ। यहाँ दो, मैं इसे चक्कर देखता हूँ। इससे अजीब तरह की बदबू आ रही है और यह दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। यह बहुत खराब है। 1 स्टार और 1 डॉट। अंडा बहुत अच्छा है, मैं इसे एक वॉफल मेकर में पकाऊंगी। आउच, चोट लगी। लेकिन यह टूट गया। मैं इसे वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और फिर इसे बंद कर देती हूँ और थोड़ा इंतजार करना होगा। सब कुछ तैयार है, अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करती हूँ। उसे यह जरूर पसंद आएगा। और अब सबसे अच्छा खिलाड़ी एलेक्स रिंग में जाता है और अपनी टीम के लिए बास्केटबॉल वर्ल्ड कप लेता है। आउच, एलेक्स, दर्द हो रहा है। ओ नहीं, क्या मेरे माथे पे ब्रूज बन जाएंगे? खैर चलो इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रीट लाई हूँ। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं इसे खाता हूँ। स्वादिष्ट, इसे 5 स्टार मिलना चाहिए। वाओ। हेलो मछली, मैं खुले समुद्र में तुम्हारे साथ तैरना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं केवल एक एक्वेरियम ही खरीद सकती हूँ और तुम मेरे लिए उपयोगी हो सकते हो क्योंकि तुम साधारण मछली नहीं हो। हम तुम्हारा उपयोग अभी खाना पकाने में करेंगे। तुम व्हाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो। अभी अंडा टूट गया और अब तुम्हारी बारी। योग्स और व्हाइट्स अलग।
तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आसानी से कर लिया। चलो गाल पर वापस जाओ। वाह, ये कतल फिश कहाँ से आई? वाह, वो मेरे लिए इंक लेकर आई है। कूल, मैं व्हाइट्स को काला कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अब पैन में सब कुछ डालना बाकी है। मेरे पास उल्लू के आकार में एक सांचा है जिसके ऊपर बड़ी आंखें हैं। अब मुझे अपना योग चाहिए, मैं उन्हें इन आँखों में डाल दूंगी। सुंदर। अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे और मोल्ड निकाल देंगे। वाओ, कमरे के चारों ओर स्केट करना बहुत अच्छा है। ओ नैंसी, हाय। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ, मुझे पकड़ो। मेरे हाथ, मैं तुम्हारे लिए एक नई डिश लेके आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे गिरने के बाद तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है, लो खाओ। वाओ, क्या ये फ्राइड एग है? इसकी आंखें बहुत मजेदार है, स्वादिष्ट है। कूल, बहुत अच्छा, मैं इसे भी खाकर देखता हूँ। मुझे अपने भाई को सरप्राइज करने के लिए एक नई रेसिपी लाने की जरूरत है। अंडा, आप यहाँ कहाँ से आए? और रंगीन पेंसिल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे कुछ अंडे उबालने की जरूरत है। यह तैयार है। और अब हम अंडे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोड़ते हैं और फिर इलास्टिक बैंड के साथ सब कुछ टाई करते हैं। और अब रबर बैंड से छुटकारा पा सकते हैं। फिल्म और पेंसिल हटा दे और अब मैं आपको सबसे दिलचस्प चीज दिखाऊंगी। अब हम अंडे को एक फूल की तरह काटेंगे। कितना सुंदर, एलेक्स को यह जरूर पसंद आएगा। वाओ, मेरा फेवरेट गम। वाओ, ये कितना लंबा है। मैं अब तुम्हें खाने जा रहा हूँ। और तुम बहुत स्वादिष्ट हो। वाओ, मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था। और ये रहा बड़ा। एलेक्स, हाय। यह बबल कहाँ से आया? मुझे उसे छुटकारा पाना है। ये अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी, इसे उड़ा दो। एलेक्स, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, केवल गम में ढका हुआ हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? मुझे तुम्हारे नए डिश को ट्राई करने में खुशी होगी। वाह, ये फूल बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है? ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट। बहुत अच्छा। दादी ने आयरन इधर ही छोड़ दिया है, जिसका मतलब है मैं इस पर काम करूंगी। हमें बस ये देखना है कि यह गर्म हो। हाँ, बिल्कुल सही। चलो उसे किचन में ले चले, मुझे अंडे चाहिए। हेलो सभी अंडों के राजा और रानी, मुझे खेद है लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जरूरत है। हेलो लिटिल एग प्रिंस, अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा। मैंने विशेष रूप से आपको दिल के आकार में बनाया है ताकि सभी जान जाए कि मैं कितने प्यार से खाना पकाती हूँ। अब केवल स्वाद के लिए थोड़ा नमक डालना बाकी है। अब एलेक्स के पास जाने का समय है। एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ, जागो। फिर से पूरी रात गेम खेल रहा था। अगर एलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है तो मैं उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी। एलेक्स, उठो, मेरी नई डिश ठंडी हो जाएगी और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। जागो। कितने आराम से सो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे। हाँ बिल्कुल, हाथ, उंगलियाँ, मैं उसे थोड़ा गुदगुदी कर सकती हूँ। जागो। यह काम किया। ओह नैंसी, फिर कभी ऐसा मत करना। मैं अभी ट्राई करता हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। अद्भुत, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब मैं सो सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें भी हरा सकती हूँ। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। नैंसी, मुझे पकड़ो। सॉरी, तुम्हें पकड़ने का समय नहीं था। चोट लग गई। नैंसी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कुर्सी भी टूट गई। अब मैं किस पर बैठकर गेम खेलूंगा? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक नई कुर्सी बनाऊंगी, चिंता मत करो। खैर, मैंने आज एक दर्जन से अधिक अंडे का इस्तेमाल किया है। एक होल्डर जरूर डस्टबिन में होगा, चलो उसे खोजे। इधर कचरा, कचरा, ओह यह भी नहीं। ओह, यह वहाँ है। एलेक्स की नई कुर्सी के लिए मुझे न केवल कुछ दर्जन अंडे के पैक की जरूरत होगी बल्कि अलग अलग रंगों के साथ पानी भी चाहिए होगा।
इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन कर सकती हूँ। अलग अलग रंग में इसे रंगूंगी ताकि कुर्सी सुंदर, चमकदार और रंगीन हो जाए। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। और अब मुझे ऊपर बहुत सारे रंगीन पॉम पॉम लगाने की जरूरत है ताकि एलेक्स कुर्सी पर आराम से बैठ सके। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही, एलेक्स को इसे तुरंत दिखाना होगा। ओह, यह कितना भारी है। इसके गिरने से पहले जल्दी से इसे ले जाना होगा। हाय, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। यह तुम्हारी नई कुर्सी है। नई कुर्सी? तुमने मेरे लिए कुर्सी बनाई? वाह, यह कितना नरम और रंगीन है। मुझे सच में यह पसंद आया। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। वाह, हम सच में इसमें बैठ सकते हैं। कितना अच्छा। धन्यवाद नैन्सी। चलो फिर से गेम खेलते हैं। तुमसे कहा था, आओ देखे हमें क्या चाहिए। लेकिन पहले चलो किचन में चलते हैं। धैर्य रखो मेरे दोस्त, मुझे बाहर निकालने की जरूरत है। शाबाश दोस्त, तो हमें क्या चाहिए? वाह, कितना अच्छा, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। दादी के आने से पहले हम सब कर लेंगे। चलो, मेरे पास एक एग मोल्ड है। और तुम्हारे पास? क्या मुझे भी एक मिल सकता है? बेशक, ये $5 का होगा। वाह, मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? ओ हाँ, मेरे पास पिगी बैंक है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बचा है, हमें बस सिक्का निकालना है। चलो बाहर निकलो। ओह, अरे निकलो, अरे सिक्का कहाँ गया? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसे लेकर रहूंगी और वापस आऊंगी। वाह, यह बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। क्या यह तरबूज है? ये एक बड़े अंडे की तरह दिखता है। ये जरूर मेरे काम आएगा, मैं इसे ले रही हूँ। नैन्सी, देखो मुझे क्या मिला है। क्या, क्या तुम्हें टेबल के नीचे मिला? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वह तरबूज कैसे हो सकता है? मैं खुद देखूंगी। मेरा तरबूज कहाँ है? यह अजीब है। वाह, लेकिन यहाँ एक सिक्का है। चलो खुलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक झटके से काटने जा रही हूँ। तरबूज जल्दी खुल जाओ। ओह, जोर का झटका। ब्रिटनी, यह सिक्का लो, इसकी मदद से तुम आसानी से तरबूज काट सकती हो। वाह, तुम सही हो, यह वास्तव में काम किया। अब मैंने तरबूज को दो हिस्सों में काट दिया है। मुझे अंदर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे छिलका छोड़ना होगा। नैन्सी, चलो इसे खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। हमारे पास हमारे विशाल चॉकलेट अंडे के लिए सांचे तैयार है। चलो योजना के साथ आगे बढ़े। अब हमें चॉकलेट चाहिए। वाह, मेरे पास यहाँ बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट है। जब मैंने कहा कि बहुत, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट भी है। मेरे पास एक गुलाबी अंडा होगा। कितना बढ़िया। अब हमें सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। हाँ, वाव, ये स्वादिष्ट है। थोड़ा और। अरे, सारे चॉकलेट कहाँ गए? बड़े के लिए इतना काफी नहीं है। ब्रिटनी, क्या तुमने मेरी सारी चॉकलेट खाई? अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक बार में अधिक चॉकलेट ले लूंगी। ये जरूर बहुत ज्यादा खींचेगा। ओ नहीं, मेरे होंठ इतने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी होगा। चलो टेबल पर चलते हैं। अब हमें सब कुछ सॉस पैन में डालना होगा। बढ़िया, चलो सारा चॉकलेट इस बर्तन में रख देती हूँ। वाह, इतना काफी है। और अब इस लाइटर से मैं चॉकलेट को सुरक्षित तरीके से पिघलाऊंगी। क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? मैं अब चॉकलेट खोजती हूँ। यह वह जगह है जहाँ दादी हमसे सभी ट्रिक्स छिपा कर रखती है। इतना जरूर मेरे लिए काफी है। मुझे जितना संभव हो उतना चॉकलेट ले लेना चाहिए ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा हो। मैंने पूरा बॉक्स भरकर चॉकलेट इकट्ठा किया है। मुझे लगता है मेरे लिए काफी है। और अब हम केतली चालू करते हैं और इंतजार करते हैं। जब यह उबल जाएगा तब हम इसे चॉकलेट के कंटेनर में डाल सकते हैं। इस तरह मैं जल्दी से चॉकलेट के इस ढेर को पिघला दूंगी। मेरा आइडिया बहुत मस्त है। और मेरा इंतजार इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, इंतजार करो और मैं तरबूज के ऊपर चॉकलेट डालना शुरू कर रही हूँ। हमें यह जांचने की जरूरत है कि यह सच में पिघल गया है या नहीं। मुझे इसे थोड़ा खाना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है, ये सही कंसिस्टेंसी है। अब तरबूज के आधे हिस्से पर ढेर सारी चॉकलेट डालेंगे। एक ब्रश की मदद से सब कुछ फैला देंगे। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे किया। क्या,
मेरे पास एक और आधा है, इसे भी चॉकलेट से ढकना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है। बढ़िया नैन्सी, मैं तुम्हें देखकर दुखी हूँ। दादी के पास किसी ड्रॉवर में बर्नर थे, उन्हें ले लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा? ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। मैं वास्तव में इसे बहुत तेजी से संभाल सकती हूँ। वाह, वह लगभग पूरा पिघल गया है। कुछ सेकंड और काम हो गया। और अब मुझे इसे सही आकार में डालना होगा। थोड़ा डाले और इसे अच्छे से सांचे में फैलाए। बिल्कुल सही। और अब हमें इसे फ्रिज में जमने के लिए रखना होगा। वाह, यहाँ ठंड है। बस हम थोड़ा इंतजार करते हैं। अब तक सब कुछ जम जाना चाहिए था, इसे बाहर निकाल कर देखना होगा। वाह, यह काम किया, हमने चॉकलेट अंडे बनाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि अंदर क्या रखा जाए। मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हाँ बिल्कुल, M&M। लेकिन पहले दो आकृतियों को जोड़कर एक पूरा अंडा बनाने की जरूरत है। यह काम किया। अब चलो न्यूटेला या बल्कि ढक्कन लेते हैं और इसके माध्यम से एक छेद काटते हैं। बढ़िया, अब यह M&M की बारी है। यम्मी। अंडे में डालने से पहले इसे थोड़ा चख लिया। बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत। मैं अंदर सब कुछ रेनबो की तरह रंग बिरंगा बनाना चाहती हूँ, इसलिए हम सभी कैंडीज को रंग के हिसाब से छाटेंगे। सुपर, चलो अब हम सब कुछ एक चॉकलेट अंडे में डालते हैं। शुरू करते हैं लाल से, फिर नारंगी, उसके बाद रेनबो के हिसाब से सारे रंग और अंत में नीली कैंडी। छेद बंद कर देते हैं और अब हमें अंडे को पॉलिश करना होगा। इसे एक सुंदर और मुंह में पानी आने लायक दिखने के लिए इसे अच्छे से पोंछना जरूरी है, ताकि कोई लाइन नहीं दिखे। बिल्कुल सही, कितना चमक रहा है। मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन ये अच्छा निकला। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और अब मेरी बारी है और मैं बचे हुए चॉकलेट की मदद से दो हिस्सों को जोड़ूंगी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही, अब छेद काटने का समय है। मैं इसे एक ड्रिल के साथ करूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से काम करेगा। वाह, ये काम किया। हम तल पर एक और छोटा छेद बनाते हैं नल डालने के लिए। मेरे पास सिर्फ अंडे नहीं होंगे बल्कि चॉकलेट सिरप के साथ एक कूलर होगा। अब इसमें बहुत सारा चॉकलेट सिरप डालने का समय है। तैयार, इसे बंद करना है। बस हो गया। और अब हमें किंडर की तरह फॉइल में सब कुछ लपेटने की जरूरत है। चलो रंग पाने के लिए फॉइल को पेंट कर देते हैं। बिल्कुल सही, मैंने सब कर लिया। वाह, यह बहुत अच्छा बना है, हमने इसे साथ मिलकर किया। और अब इसका स्वाद लेने का समय है। मैं पहले। वाह, चॉकलेट सिरप सच में निकल रहा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। नैन्सी, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती है? ठीक है, लो। वाह, इसका स्वाद कमाल का है। बढ़िया, वाह, चलो अब मेरा अंडा तोड़ दे। मेरे पास एक बैट है। वाह, कितनी कैंडी थी अंदर। ओ यार ब्रिटनी, चलो जल्दी खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं अपने सिरप के साथ तुम्हारी चॉकलेट को खाऊंगी। इस पर अच्छे से कैंडी सजाएंगे। वाह, यह शानदार है, मैं रुक नहीं सकती। चलो मेरा अंडा भी तोड़ दो। वाह नल, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पैकेजिंग की भी जरूरत है। और यहाँ चॉकलेट है, कितना अच्छा, मैं इसे खाना चाहती हूँ। चलो खाए। तुम्हें मेरी टोपी कैसी लगी? सबसे स्वादिष्ट टोपी जो मैंने कभी देखी हो। ओ, दादी आ रही है और अब तुम लड़कियों की खैर नहीं है। यहाँ क्या हुआ है? ओ नहीं, ओ मैं कैंडी पर फिसल गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि कोई बदमाशी नहीं करना है और तुम लोगों ने यहाँ क्या किया है? खैर अब तुम्हें सजा मिलेगी, रसोई की सफाई। ओ तुमने सब कितने अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छी बच्ची हो।